हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से होंगे। ये आपके सामने जो ये 9 वाट का जो आपको सेल दिख रहा है, यानी जो बैटरी दिख रहा है, इससे हम आपको चलाकर दिखाएंगे एक 12 वाट का डीसी मोटर। कई बार आप लोग के साथ में ये होता है, हम डीसी मोटर को चेक करने के लिए बहुत ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं और हम इसको पता नहीं चला सकते ये सही है या ख़राब है। हमें वोल्टेज भी चेक करने में दिक्कत आती है वो जैक के अंदर। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ट्रिक जिससे आप लोग बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं ये मोटर ख़राब है या सही है। और मज़े की बात ये है, जब आप ये दुकानदार से मोटर जब लेते हैं तो वो 1 मिनट का भी हमें गारंटी नहीं देता। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो हम पुराने वाला जो मोटर उतारे हैं उनको चेक करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक काम करना है, वो आपके टूल्स में ही मिल जाएगा, वो आगे बताता। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज आप लोग को जो है चेक कराने वाला हूँ ये मोटर, कैसे आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये होता है डीसी मोटर और डीसी मोटर को चेक करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप लोग के लिए है ना शॉर्टकट तरीका है, वो बताऊँगा इसको कैसे आप लोग चेक कर सकते हैं। जैसे कोई फ्रीज से मोटर खोलते हो और उसको चेक करने का कोई जुगाड़ नहीं होता है, सबसे पहले वो चेक कर लेना आपको। आप लोग को ज़्यादा बैटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कि जो 9 वाट का जो बैटरी है, मतलब सेल जो है, ये ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। बस हमें एक पीस चाहिए इस मोटर को चेक करने के लिए। तो हमें ये मोटर कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा, इस वीडियो में बने रहें और मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके टूल बैग में एक होता है क्लैम मीटर, मतलब कि एम्पियर मीटर। इसमें ऑलरेडी ये जो है सेल लगा हुआ रहता है। अगर आप इस टाइप का एम्पियर मीटर यानी क्लैम मीटर यूज करते हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ये 12 वाट का डीसी मोटर है, आप लोग अंदाज़ा लगाइए इसका प्राइस कितना हो सकता है। मैं बता देता हूँ, 500, 1000 या 1500। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताएं और चेक कर लें। धन्यवाद, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। देखिए, कुछ इस तरीके से चेक करना है आपको। 9 वोल्ट का बैटरी लेना है और 2 वायर इसमें लगा देना है जैक के अंदर। और 2 वायर लगाने के बाद क्या करना है, इसमें टेप लगा देना है। अगर ये नाचेगा तो पता चलेगा और नहीं नाचेगा तो नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए, ये लगा के देखते हैं चलता है या नहीं चलता है मोटर, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो है हम वो वाला मोटर चेक कर रहे हैं जो हमने फ्रिज से निकाला है, ठीक है। ये वाला हम चेक करेंगे, नहीं चला, ठीक है, इसका ब्रिज खराब है, ठीक है, ये नहीं चल रहा है। अब हम जो नए वाला मोटर लाए, अब इसको हम चेक करेंगे। अब जो है ये जो मोटर है ये नए वाला है जो हमने खरीद के लाया अभी, और इसको देखिए यहाँ बैटरी में लगाएं और इसको यहाँ पे थोड़ा घुमाओ उसको, नहीं नहीं वो अपने आप चलेगा, देखिए यहाँ पे तार हिल गया लगता है, कैपेसिटर है इसमें, नहीं नहीं घुमाओ उसको, वो तार निकल गया। डायरेक्ट घुसा दो उसमें, नहीं 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 निकल गया, अब इसको लगा के देखते हैं। ये देखिए, ये जो है ना चल गया, तार हटाते ही बंद हो गया। अब दोबारा लगाएंगे, चल गया, ठीक है। तो ये देखिए जो है फाइनली अब मोटर में से लगा दिया हूँ और फर्स्ट क्लास चल रहा है। लग गया हुआ, गोदरेज का है।
तो कैसा लगा ये जानकारी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो मेरा चैनल है 7 Star AC इसको आप लोग सब्सक्राइब भी कर लें। और मैं आपको बता दूं जो हमारा आने वाला है TK2 Help Desk, इस ऐप को डाउनलोड करें, और इस ऐप के ज़रिए आप कोई भी काम करते हैं तो इस ऐप को डाउनलोड करके आप कोई भी सर्विस कर सकते हैं या सर्विस ले सकते हैं। तो आप लोग देर न करें, फटाफट जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। याद रखें बेल आइकन दबा लें ताकि कोई भी हमारी जो न्यू अपडेट हो वो सबसे पहले आपके पास चला जाए। धन्यवाद।